brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. इतनी चिंता है, उन्होंने अपने जमाने में क्या किया अस्पतालों को लेकर? भैया आप स्वास्थ्य मंत्री भी रहे थे ना, आप मंत्री रहे थे, आप बताइए ना भैया, आप ही के पार्टी के पास विभाग थे, आप लोगों ने क्या किया? बिहार के अस्पतालों की हालत, दूसरों पर उंगली उठाना बड़ा आसान होता है, पर अगर आज आप लोगों ने काम किया होता, और मैं दोनों से पूछ रहा हूँ, कांग्रेस से भी, प्रधानमंत्री हिंदू, मुख्यमंत्री सभी राज्यों का हिंदू, तो कैसे धर्म खतरे में है? भाई जो लोग इस तरीके की बातें उठाते हैं ना, ये इसको तुष्टीकरण की राजनीति बोलते हैं। क्या आपके पास आज उठाने के लिए, जब मेरे प्रधानमंत्री आ रहे हैं, क्या आपके पास कोई और बेहतर विषय नहीं है? आप खुद क्या कर रहे हैं इन बातों को उठाकर, और आप बोलेंगे ये सारी बातें? जिन्होंने खुद अपना समीकरण जातीयता के आधार पर, सांप्रदायिकता के आधार पर बनाया हुआ है, जब ये लोग MY समीकरण की बात करते हैं तो किस चीज की बात करते हैं? बिहार में जातीयता को बढ़ावा देने की ना, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने की। भाई मैं भी MY की बात करता हूँ, पर मेरे MY में महिला है और युवा है। जात पात धर्म मजहब से उठकर जाति की नहीं, जमात की बात, हर जमात की, हर जाति हर धर्म की महिला है, हर जाति हर धर्म के युवा की हम लोग बात करते हैं। पर ये लोग जब बात करते हैं, ये लोग सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति को साधने का, सिर्फ धर्म के आधार पर बिहार को बांटने का, और यही काम इन्होंने दशकों से किया है ना, जाति के आधार पर बांटा, धर्म के आधार पर बांटा, अब तो क्षेत्रवाद के आधार पर भी बांटते हैं कि भाई ये बिहारी है तो ये यहाँ का नहीं है, ये वहाँ का नहीं है। आप जब एक बिहारी को बिहारी ही नहीं समझते हैं, और आप पुस्तक में ये बोल देते हैं कि ये तो दूसरे क्षेत्र का है, इस क्षेत्र का नहीं है, तो अब इससे ज़्यादा बांटने की राजनीति और कौन करेगा? हकीकत है, पूरे चुनाव में विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। हम लोगों को विकास के नाम पर ये लोग घेर नहीं सकते। जैसे विकास के नाम पर घेरेंगे, सीधा सामने से सवाल आएंगे। हम जिस मंच पर जाते हैं, हर मंच से हम पूछते हैं कि विकास की योजनाओं का किन किन को लाभ मिला, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण की योजनाओं का किन किन को लाभ मिला। आप जाकर पूछे किसी से, कितने लोगों को यहाँ पे आज की भी तारीख में 5-5 किलो राशन मिल रहा है, एक एक हाथ उठेगा। पूछिए उन लोगों से, कितने लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ मिल रहा है, एक एक हाथ उठेगा। उज्ज्वला योजना हो, ये तमाम योजनाओं का जिनको लाभ मिल रहा है, ये किसान सम्मान निधि का जिनको लाभ मिल रहा है, तो उनका विश्वास प्रधानमंत्री जी पर है, और यही मोदी की गारंटी है, जो कि प्रो कम्बेंसी हर बार चुनाव में क्रिएट करती है। 14 से बड़ी जीत 19 में, 19 से बड़ी जीत 24 में होने प्रधानमंत्री जो गंगा रहे हैं, एम्स कब बनेगा? भाई समय पर उसका भी निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। पर जिनको आज इतनी चिंता है, उन्होंने अपने जमाने में क्या किया अस्पतालों को लेकर? भैया आप स्वास्थ्य मंत्री भी रहे थे ना, आप जाकर एम्स तो भैया केंद्र सरकार के अंतर्गत है, हम लोग बनाएंगे भी चलाएंगे भी, दिल्ली से लेकर पटना तक के सारे एम्स सुचारू रूप से चल रहे। आप जब बिहार सरकार में आप मंत्री रहे थे, आप बताइए ना भैया, आप ही के पार्टी के पास विभाग थे, आप लोगों ने क्या किया? बिहार के अस्पतालों की हालत किसी से छुपी है क्या? आपकी राज्य में सरकार भी थी, आप ही के परिवार के 2-2 मुख्यमंत्री रहे, ऐसे में बिहार की स्वास्थ्य सेवाएं क्यों नहीं बेहतर हो पाई? दूसरों पर उंगली उठाना बड़ा आसान होता है, पर अगर आज आप लोगों ने काम किए होते, और मैं दोनों से पूछ रहा हूँ, कांग्रेस से भी, 55 साल आपको मिले, अगर 55 साल केंद्र में आपने किया होता, 15 साल में अगर बिहार को आपने विकास की राह पर आगे लेकर गए होते, तो आज ये सवाल दूसरे से नहीं पूछने पड़ते, आज आप अपनी कामयाबियों के आधार पर आप चुनाव लड़ रहे हो।